दोस्तों सभी संविदा यानी बहनों के लिए खुशखबरी लेके आ चुके हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, आज स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी सभी डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी के साथ बैठक किए हैं, मीटिंग किए हैं। जो हमारी NM बहन धरना प्रदर्शन कर रही है, इन्हीं के मांगों को लेके आज मीटिंग बुलाया गया था पटना में। मीटिंग में क्या क्या सहमति बनी है, किस किस बातों को लेकर सहमति बनी है, क्या फेस अटेंडेंस को वापस किया जाएगा, जो इन लोगों को अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, क्या पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से आप देखिए, ये मीटिंग का वीडियो, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। NM का उसका रिलीज किया गया है या किया जाने के प्रोसेस में, हम लोग प्रयास में है कि 10 तारीख तक सभी के सैलरी जून महीने तक का सबको चला जाए, सभी हम लोग इसके लिए प्रयासरत है। आप लोग पहले से जान रहे हैं, NHM में पहले भी काम किया है, अलॉटमेंट का इश्यू होता है, तो जून महीने तक में तो कोई इश्यू नहीं है, सबका मिल जाएगा। जुलाई महीने में ईडी सर का एक लेटर गया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ FRS अटेंडेंस वो रिलीज हो, ठीक है, तो उसमें फिर आगे हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन एक चीज आप सभी लोग समझ लीजिए कि ये FRS सिस्टम पे स्वास्थ्य विभाग के रेगुलर डॉक्टर से लेके सभी को इस पे आना है। ये आपको आश्वस्त करते हैं, देखिए हम समझ रहे हैं, हमारे पास बहुत तरह के पिटिशन आए, घटना धरना प्रदर्शन हाजिरी नहीं बनाने का, लेकिन एक दो जिला को छोड़ के आप समझ लीजिए कि FRS में रजिस्ट्रेशन हमारा 97% हो चुका है। 3% जो नहीं हुआ है तो वहां के DPM साहब, यहां से हम वैसा कोई शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहेंगे, आपका असेसमेंट हो रहा है और ईडी सर आपसे पूछेंगे कि पूरे बिहार में 97% हो गया और एक दो तीन जिला में 80% 82% 85% पे क्यों है, इसका जवाब संबंधित DPM साहब देंगे उस समय। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि FRS सिस्टम पे सबको आना पड़ेगा, NHM के एम्प्लॉई एज वेल एज रेगुलर एम्प्लॉई। अभी रेजिस्टेंस है, सैलरी नहीं दी गई है, तो हम लोग भी जानते हैं चाहते हैं कि भाई सैलरी नहीं मिल रही है, पहला काम हम लोग को सैलरी देना है, हम लोग सैलरी दें, जो काम कर रहे हैं उसी की उपस्थिति बननी है, कोई ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द वे कहा जा रहा है कि आप ओवर टाइम ड्यूटी कीजिए। तो ये सब भ्रांतियां जो है ग्रेजुअली दूर होगी और हम लोग को मिलकर एज ए BHM एज ए HM एज ए DPM DMNE DPC जितने लोग यहां हैं, आप सभी प्रतिदिन फैसिलिटी पे जा रहे हैं अपने अपने और प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 5 बजे के बाद भी काम कर रहे हैं, तो जो लोग नहीं काम कर रहे हैं तो उनको भी इस नेट में आगे आना है, आना पड़ेगा। तो ये क्लियर कीजिएगा, ज्यादा जितना डिले करेंगे आगे फिर सैलरी देने में परेशानी आएगी। जुलाई महीने में तो 5-7-8 दिन का ही बात आएगा कि भाई जुलाई में 25 से हम लोग लागू किए चिट्ठी निकाले, तो 6-7 दिन अगस्त में फिर यही परंपरा अगर बनाएंगे तो अगस्त में आगे दिक्कत होगी। तो हम लोग इस पे डिटेल आगे आपको इंस्ट्रक्शन भेजेंगे, लेकिन आपको आश्वस्त करते हैं सभी को कि यही व्यवस्था रेगुलर्स के लिए भी चालू होने जा रही है, वह एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में माननीय मंत्री जी ACS सर सब लोग क्लियर है, वो करना है, तो वो आगे आएगा तो उस पर डिटेल बात होगी। इसलिए आप लोग जो है बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस लिखे हैं तो आप समझिएगा कि FRS अटेंडेंस की स्थिति आगे ड्रेनेंस। तो दोस्तों आप देख लिए, ये मीटिंग का वीडियो क्लिप है जिसमें बात बनी है, जो 2 महीना के सबसे पहले आप लोग को सैलरी दिया जाएगा, उसके बाद फेस अटेंडेंस को लेकर भी बातचीत हुई है, जो परमानेंट जो भी NM बहन है उन पर भी ये लागू होगा फेस अटेंडेंस को वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आप लोग को 2 महीना का वेतन भी नहीं मिला है, तो सबसे पहले वेतन आपको दिया जाएगा, उसके बाद एक लेटर इशू होगी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और ये स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी पर फेस अटेंडेंस लागू होगी। तो आज के मीटिंग में यही बात बनी, यही को लेके स्वास्थ्य विभाग सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक किए हैं, मीटिंग किए हैं, उन मीटिंग में जो निर्णय लिया गया है इस वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास किए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अभी 10 बजे लाइव आते हैं तो और भी डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं, तो 10 बजे आप लोग लाइव आना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।